डियर स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे प्रैग्मैटिक्स का सिंटैक्टिक डेवलपमेंट पे क्या असर होते हैं आ, इस पे बात करनी है इससे पहले हमें प्रैग्मैटिक्स से पहले हम हमें सिंटैक्स पे बात करनी चाहिए तो सिंटैक्स इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर सिंटैक्स क्या है द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस और रूल्स ये वो रूल्स हैं या वो ग्रामर के असूल हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सेंटेंस सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं उसके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं हम उस पर बात करते हैं और आ, मतलब इस तरह हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और रूल्स अप्लाई करके पीपल कैन डू वट दे वांट विद लैंग्वेज अब देखिए जब वो सीख जाएंगे ग्रामर के असूल या सिंटैक्स सीखेंगे तो वो ख़ुद ग्रामर के इन रूल्स को यूज़ करके लैंग्वेज में को एनहांस कर सकते हैं वो उसमें सेंटेंसेस uh, बना सकते हैं और कुछ इस तरह कर सकते हैं और सेंटेक्स सेंटेक्स हेल्प्स कॉमन यूजर ऑफ़ लैंग्वेज अंडरस्टैंड हाउ टू ऑर्गेनाइज़ वर्ड्स सो दे मेक द मोस्ट सेंस यानी वो ये बताती है कि हम किस तरह वर्ड्स को किस ऑर्डर में ऑर्गेनाइज़ uh, करें कि जो वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मीनिंग्स या सेंस कन्वे कर सकें अब हम एक फिक्रे से इसकी इसकी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं द द थ्रू द अ डॉग रैबिट अब इस सेंस इस फिक्रे में कोई सेंस नहीं है इसमें जो है जो आ, हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये उस लिहाज से इसको तरतीब नहीं दिया गया लिहाजा इसके कुछ भी मीनिंग्स नहीं बनते अब अगर हम ग्रामर के नॉर्मल रूल्स यूज़ करते हुए तो हम हम अपनी पेस्ट पहली एग्ज़ाम्पल जो है उससे हमें पता चला कि वो फ़िकरा जो है इसका कोई सेंस नहीं लेकिन हम उसको रीऑर्गेनाइज़ करें उसी तरह जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसको रीअरेंज करें तो फिक्रा जो है वो क्या एक परफेक्ट उसकी जो सेंस कन्वे करेगा द डॉग चेस रेबिट थ्रू द पास्चर पास्चर कहते हैं ग्रॉस लैंड को ठीक है तो मीडोज पीस इसको मतलब चरागा जिसको कहते हैं तो जो है यानी अब अब सेंटेंस की कन्वे हो सेंस कन्वे हो रही है कि डॉग ने इस रैबिट का किस चेज किया उसको कहाँ उसमें चरागा में या मीडोज में अब हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रैग्मैटिक्स तो जैसे मैंने बताया कि प्रेगमेटिक्स क्या इट्स अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट या स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज तो प्रैग्मेटिक्स का जो ग्रामर सिंटैक्स uh, पर क्या उसके इफेक्ट्स हैं इसमें हमने देखना ये है प्रैग्मेटिक्स टेक्स सीमेंटिक्स वन स्टेप फर्दर तो ये जो सीमेंटिक्स के हैं वर्ड्स मीनिंग की साइंस है तो so, सीमेंटिक्स को ये प्रैग्मेटिक्स वन स्टेप आगे लेके जाती है और वो सीमेंटिक्स sem जो वर्ड्स मीनिंग है वो मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं ठीक है तो मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस है विद इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट तो चूंकि लाजमी तौर तो पे हम लैंग्वेज यूज़ और उसके लैंग्वेज की जो यूज़र है दोनों के कॉन्टेक्स्ट को देखना है वो देखना है कि किस वक्त कहाँ कौन सी लैंग्वेज और या कौन से वो आ, उसके स्टाइल्स वो यूज़ कर रहा है लैंग्वेज के और इसके लिए हमें आ, हमें देखना पड़ेगा के जो 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 डिफ़रेंट कॉन्टेक्स को हमें देखना पड़ेगा सेंटेंस की डेवलपमेंट के हवाले से और जो इस सिंटैक्स के हवाले से हमें प्रेगमेटिक्स के रोल्स के हवाले से हमें देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल हम अगर पिछली ही एग्जांपल है उसकी बात करें डॉग छेज वाली सी तो हमें पहले उसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा डॉग की तो प्रैगमेटिक्स जो है ऑलसो कंसिडर द डेक्लेटिव सेंटेंसिस तो ये डेक्लेटिव सेंटेंसिस को के बारे में भी बताती है मसलन ब्रेक इट डाउन एक एग्जाम्पल है सेंटेंस की द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस चेंज ड्रामेटिकली विद द कॉन्टेक्सट जब कॉन्टेक्स डिफरेंट होगा या जिस कॉन्टेक्स में इसको बोला जाएगा उस लिहाज से अब वो उसके मीनिंग्स डिफरेंट हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एट द एंड ऑफ अ लार्ज क्राउड एंड समन टेल्स यू टू ब्रेक इट डाउन तो अब यहाँ इसके मीनिंग डिफरेंट होंगे तो कहने का मकसद ये है कि चूंकि हमने लैंग्वेज का कॉन्टेक्स के साथ जोड़ते हुए प्रैगमेटिक्स में हमने लैंग्वेज को कॉन्टेक्स के अंदर रहते हुए यूज स्टडी करना होता है तो फिर वहाँ सिंटैक्स जो है यानी ग्रामर को भी वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी यानी इन दोनों का रिलेशनशिप हमें एक बिल्ड करना पड़ेगा और तभी एक इफ़ेक्ट डिवेल्प होगा कि किस कॉन्टेक्स में हमने सेंटेंस तो सही बताने हैं सही बोलने हैं और ये जो सिंटैक्स हमें बताएगी और जो कॉन्टेक्स होगा वो हमें प्रैग्मैटिक्स बताएगी तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रैग्मैटिक्स ऑन द सिंटैक्स डिवेलपमेंट